वेलकम बैक टू आवर चैनल और फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज अनुपमा की किचन में बन रहे हैं डेली के बहुत ही ज़्यादा फेमस राम लड्डू और साथ में ऊपर से मूली की चटनी मूली और धनिया की चटनी और मूली ग्रेट करके ऊपर से ऐसे ही डेली में ये सर्व होता है और फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है जिन लोगों ने खाया है उनको जरूर पता होगा ये बहुत ही फेमस डिश है डेली की तो चलिए आज अनुपमा की किचन में इसी को ट्राई किया जाता है इसी को बनाते हैं तो आइए अनुपमा के साथ अनुपमा के किचन में रेसिपी स्टार्ट करते हैं उसके पहले फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियोस मेरी कोई भी रेसिपीज़ आपको जरा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए तो चलिए आई अनुपमा के साथ अनुपमा की किचन में तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने डेढ़ कप मूंग की दाल ली है हाफ कप मैंने चने की दाल ली है टू टेबल स्पून उरद की दाल ली है जो भी दालें मैंने यूज़ की हैं बिना छिलके की यूज़ की हैं इनको रात भर के लिए शोक करने के लिए रख दिया था अभी इनको मैंने एक जार में शिफ्ट किया है थोड़ा सा पानी डाल के इसका दर दरा सा बैटर रेडी करेंगे बैटर बना के रेडी कर लिया अभी यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको ये अच्छे से फेटना है ताकि आपके पकौड़े बहुत ही फूले फूले निकलें अगर आप फेटोगे नहीं तो आपके पकौड़े उतने अच्छे नहीं बनेंगे साथ में मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून शॉल्ट और ग्रीन चटनी मूली के पत्ते और धनिया की बना के रेडी किए वो मैंने इसमें ऐड किए इसमें हींग जीरा नमक सब कुछ है आप चाहें तो आप मसाले भी ऐड कर सकते हैं मैंने इसको पाँच से सात मिनट मिनट तक ऐसे ही फेंटा है तब मैंने इस पकोड़े बनने के लिए छोड़े हैं रेडी किए हैं तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो गया पकोड़े भी तल लेते हैं अभी देखिएगा आप ये देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने पकौड़े तलने के लिए छोड़े हैं ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं ये देखिए फ्रेंड्स आप जितना अच्छे से दाल फेटोगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा आप हाथ से उसको अच्छे से फेटो तभी वो बढ़िया बन के निकलेंगे तो यहाँ पे पकौड़े भी रेडी हैं चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं वाओ ये देखिए पकोड़े बन के रेडी राम लड्डू बन के रेडी ऊपर से मूली और धनिए की चटनी जाएगी रेडिश मैंने घिस कर ही रखी मूली वो ऊपर से जाएगी और ग्रीन चिली ये मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला आप चाहें तो इसमें और भी सब कुछ भी ऐड कर सकते हैं सेव वगैरह वैसे ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स आज की राम लड्डू बनके रेडी हैं आज की रेसिपी आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा करिए तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर